है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फेसबुक का अकाउंट बिल्कुल डिलीट कैसे कर सकते हो, उसका जड़ से कैसे खात्मा कर सकते हो अपने अकाउंट का, फेसबुक का। तो चले इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी फेसबुक को ओपन करके आ जाना है। जैसे आप अपने फेसबुक ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको आपकी DP दिखेगी, राइट, और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही हैं। सिंपली आपने इस पर टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी DP शो हो रही होगी, और आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपली आपने सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे अकाउंट के नीचे आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख रहा है। सिंपली इस पर टच कर देना है आपको। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल नीचे आपके पास नज़र आ रहा होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। सिंपली आपने इस पर टच कर देना है। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ गया। सबसे पहले देखें तो मेमोरियलाइजेशन सेटिंग, उसके बाद नीचे वाला सेकंड है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो आपने सिर्फ इस पे सेकंड वाले ऑप्शन पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे ये वाला ऑप्शन अब आ चुका है। यहाँ पे देखें डीएक्टिवेट अकाउंट आर डिलीट अकाउंट, यहाँ पे नीचे डिलीट अकाउंट का जहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर सिंपली आपने यहाँ पे टच करके इसको ऑन करना है। फिर ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे देखें कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो हम डिलीट ही करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, राइट। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद गाइज, आपके पास ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आप रीजनिंग भी बता सकते हो कि आप अपना अकाउंट क्यों डिलीट कर सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली नीचे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो गाइज, उसके बाद गाइज आपके पास ऑप्शन पे टू कीप मैसेंजर डीएक्टिवेट इंस्टेड, राइट, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आपकी फेसबुक पर जो भी इन्फॉर्मेशन उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट पर। और रिव्यू एप्स यूर लॉग्ड इन, जिनके साथ आप लॉग्ड इन हो किसी ऐप के साथ, तो वो भी आप अपना डेटा यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो गाइस, सिंपली आपने नीचे आकर के इन्फॉर्मेशन जो सेव करनी हो कर लें। उसके बाद आप आके नीचे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एंटर पासवर्ड, अब वो जो आपका फेसबुक अकाउंट जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के बाद अपना वो एंटर करना है पासवर्ड, राइट, उस फेसबुक का। यहाँ पे एंटर करेंगे पासवर्ड, तो सिंपली आप पासवर्ड में एंटर करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड पुट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब 30 डेज़ का टाइम है आपके पास। 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपने लॉगिन दोबारा से कर लिया अपने अकाउंट, तो आपका अकाउंट फिर डिलीट नहीं होगा। तो 30 डेज़ तक आपने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, तो 30 डेज़ के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।